नहीं रिकॉर्ड नहीं रिकॉर्ड कर कट कट हेलो कट कट हां वो पीछे जाके खड़े हो जाओ जल्दी फटाफट अभी यहां से सबसे बताओ सबसे ओल्ड लोग कौन कौन है आज उठो ना अंकल जी बाजी आप इधर बाहर आओ अभी मिठू तेरा कैमरा राइट में नहीं ठीक है चलेगा 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 सेंटर अभी प्लीज वन सेकंड दीपक 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 रोले नमो रोले जो भी लास्ट क्यों था कोई है दीपक के बगैर दीपक के अलावा उधर वाले सब खाली क्यों हो गए रे आगे रहो ना पहले रोले आगे क्यों Rolling and mood action. Pandit ji. Bola niklo. Passing karte raho. Wo do ladkiyan jo piche hai wo thoda sa piche jao. Kaisa sa piche thoda. Aur bas. ओके अब लाइंस करें ठीक है अब इतनी इच्छा दीपक Oh!
निकल पा रहा हूँ क्या करूँ। मेरी आज भी वही आदत है, सब चीजें पहली बार बोल रहा हूँ। मेरी प्यारी बच्ची त्रिशा जिसके नंगे कदम पड़े मैम थोड़ा पास में रहिए। हल्का रोहित आवाज बंद, आवाज बंद, फिर दबाएंगे। मोना अपने मार्क में है ना? अरे रोहित
बस यही था। हम लोग आउटडोर पे गए थे, बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने हमको सरप्राइज़ किया कि हम लोग पंचगनी जाएं, नैनीताल जाएं, सॉरी। और वहाँ पे ईशान ने ऑलरेडी प्लान कर रखा था कि वो बड़े पापा और बड़ी मम्मी की 40th एनिवर्सरी पे पूरी शादी रखेंगे, ऐसा ऑर्गेनाइज़ करेंगे जैसे दोबारा से उनकी शादी हो रही हो, बिकॉज 40 साल हो चुके हैं। सो दिस इज़ अ सरप्राइज़ फॉर देम। तो हम बिल्कुल वैसे ही शादी मना रहे हैं जैसे उन्होंने तब की थी जब हम पैदा नहीं हुए थे। हम लोग थे ही नहीं। बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज अपने पेरेंट्स की शादी कभी किसी ने भी नहीं देखी है, सो हम वही देख रहे हैं। तो फुल मस्ती हो रही है, मजाक मस्ती हो रही है, जूते अभी छुपाएंगे क्योंकि बड़े पापा को पता नहीं है। नाच गाना हुआ है, संगीत हुआ है, मेहंदी हुई है, हल्दी हुई है, सो बिल्कुल वैसे ही सारे फंक्शंस निभाए हैं जैसे एक शादी में एक्चुअली होते हैं। अगर ड्रामा है तो मैं आपको लगता है बताऊंगी। नहीं एक्चुअली इतना भी कोई नहीं, ड्रामा नहीं है अभी, बहुत हंसी खुशी वाले सारे सीन्स हैं। ट्विस्ट तो होंगे लेकिन वो जब आप सब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ट्विस्ट है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड से चल रहा है राज राज राज। शादी का माहौल है तो पॉजिटिवली आपके लिए क्या होगा, एक अच्छाई और एक बुराई शादी के बारे में, पर्सनली शूटिंग के दौरान? पर्सनली तो एक अच्छाई, एक एडवांटेज डिसएडवांटेज। अच्छा ये कि हर लड़की का सपना है उसकी शादी हो, सुंदर दिखे, अच्छी दिखे, ज्वेलरी कपड़े सब एकदम अच्छे हो, नाच गाना, यू गेट टू सेलिब्रेट विद योर फ्रेंड्स। बुराई ये है कि आपको अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के चले जाना पड़ता है। मोना की लाइफ में दिन कमाने वाला है। पता नहीं यार, आप ही सब बता दो किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के। थैंक यू। एक्चुअली खास बात सबसे ज़्यादा यही है कि यूजुअली टीवी सीरियल्स में बहुत भर भर के सजा देते हैं, आई शेडो पोत तो ये कर दो वो कर दो, वो सब हमने नहीं किया। आई कैप्ट इट वेरी सिंपल बिकॉज मुझे लगता है सिंप्लिसिटी में ब्यूटी ज़्यादा निकल के आती है। सो आई हैव कैप्ट इट वेरी सिंपल, मुझे तैयार होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, बस हाँ टीका टुका थोड़ा लगा लिया, बट नेकलेस भी पहली बार शो में मैंने फर्स्ट टाइम इस एपिसोड में पहना, अदरवाइज मैंने वो भी नहीं किया है। सो सिंपल इज नाइस। बाकी सारे कपल्स भी हमने देखा है मोमेंट शेयर कर रहे थे टीका एंड ऑल, हां तो आपका मोमेंट कैसा था विद ईशान? मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज द केमिस्ट्री, जो लोग उसके बारे में इतना बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छी है, सिजलिंग है जब से प्रोमोज आए हैं, सो आई एन्जॉय ऐसे वाले रोमांटिक सीन्स, बहुत मज़ा आता है। एंड बैकग्राउंड ट्यून ऑफन कबीरा प्ले होती है, सो आई लव वॉचिंग द सीन्स एंड डूइंग इट। शादी हो रही है, हो जाने दो, खाना नहीं खाना मत खाने दो, लेकिन प्यार को अब हो जाने दो। Thank you.